नमस्कार, NBC हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। आज 9 अगस्त का दिन है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के इतिहास में काकोरी कांड स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के जरिए भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्रांतिकारियों के जरिए चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए पैसे की तत्काल आवश्यकता की जरूरत के लिए शाहजहांपुर में बैठक हुई। बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची लौह पथ गामिनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने और सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या का प्रकरण चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई गई। इसी मामले में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 साल की सजा से लेकर अधिकतम कालापानी आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। अब आप काकोरी कांड से पहले का परिदृश्य समझ लीजिए। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के दोनों नेता बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे ये विज्ञापन अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी तरह योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के साथ ही HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए और उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते नहीं थे और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते नहीं थे। पार्टी के कार्य के लिए धन की आवश्यकता पहले भी थी पर अब वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी, 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली। फिर भी उनसे कुछ विशेष धन अर्जित नहीं हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को अत्यधिक कष्ट हुआ। आखिरकार उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर बिल्कुल डकैती नहीं डालेंगे। 8 अगस्त को रामप्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई एक आपातकालीन बैठक में निर्णय लेकर योजना बनी और अगले ही दिन यानी 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें शाहजहांपुर से बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती, बनारस से चंद्रशेखर आज़ाद और मन्मथनाथ गुप्त और औरैया से अकेले मुकुंदी लाल शामिल होकर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वे छोटी ऑटोमेटिक राइफल की तरह लगता था और सामने वालों के मन में भय पैदा करता था। इन माउजरों की मारक क्षमता भी अधिक होती थी। उन दिनों ये माउजर आज की AK-47 राइफल की तरह चर्चित हुआ करते थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और रक्षक के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने का प्रयास किया गया पर जब नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खान ने अपना माउजर मन्मथनाथ गुप्ता को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मन्मथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश ट्रैगर दबा दिया जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के एक यात्री को लग गई।
मौके पर ही यात्री की मौत हो गई। जल्दबाजी में चांदी के सिक्कों और नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन समाचार पत्रों के जरिए ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करके बतानिया सरकार को जैसे ही इस बात की पुष्टि की कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित साजिश है, पुलिस ने काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने और साजिश में शामिल किसी भी व्यक्ति को अवरुद्ध करवाने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। विज्ञापन सभी प्रमुख स्थानों पर लगा दिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बिस्मिल के साझीदार बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती का सारा भेद ले लिया। पुलिस को उससे ये भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में रामप्रसाद बिस्मिल की पार्टी के कौन कौन लोग शहर से बाहर कब गए थे और कब कब वे वापस आए। जब खुफिया तौर से इस बात की पूरी पुष्टि हो गई कि रामप्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नेता थे उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह करने, सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। बिस्मिल ने लिखा रंग दे बसंती चोला। केस के दौरान ही बसंत पंचमी का त्यौहार आ गया। क्रांतिकारियों ने बिस्मिल से कहा, पंडित जी कल के लिए कोई फड़कती कविता लिखिए। अगले दिन कविता तैयार थी, मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में रंग के सिवा ने माँ का बंधन खोला। क्रांतिकारी इसे जेल से अदालत जाते, मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते और लौटते वक्त भी गाते थे। बिस्मिल की ये रचना क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरकारी वकील की बोलती उस वक्त बंद हो गई जब मुकदमे के दौरान बिस्मिल ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बहस की तो चीफ जस्टिस ने पूछा, मिस्टर राम प्रसाद फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। बिस्मिल हंसकर बोले, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। 22 अगस्त 1927 को बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह व अशफाक उल्ला खां को फांसी, सचिंद्र सान्याल को उम्र कैद, उनके भाई भूपेंद्र सान्याल व बनवारी लाल को 5-5 साल की सजा दी गई। खूबसूरत हैंडराइटिंग में अपील देने के चलते प्रणवेश चटर्जी की सजा 5 से घटाकर 4 साल कर दी गई। काकोरी घटनाकांड की वर्षगांठ पर अमर बलिदानियों को NBC हिंदी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर खबर पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।